नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्बोर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे आज पत्रकारिता दिवस के लिए, क्योंकि पत्रकारिता दिवस को लेकर आज एक बार फिर हमें जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर के 5 पत्रकारों ने पत्रकारिता से इस्तीफा दे दिया है और कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन द्वारा जारी हिट लिस्ट के कारण ये जो कदम है ये उठाया गया है। लेकिन जहां पर एक तरफ राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है और वहीं पर जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को आज अपने ही पत्रकारिता दिवस के मौके पर अपने प्रोफेशन से जो है इस्तीफा देना पड़ा। और 5 ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन से यानी कि पत्रकारिता से इस्तीफा दिया है और कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में आतंकी संगठन द्वारा हिट लिस्ट जारी की गई थी और उस हिट लिस्ट के बाद ये जो था इस्तीफे देने का जो कदम है वो उठाया गया है। और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही पत्रकारिता काफी ज्यादा मुश्किल रही है और जम्मू कश्मीर जहाँ सेंसिटिव इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली देखा जाए या फिर जो लोग यहाँ पर पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमेशा कोई ना कोई अड़चन देखने को मिलती है। और आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर 5 ऐसे पत्रकार हैं जिनको अपने ही पूरे तरीके से इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया और कारण जो साफ यही बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में हालात पनप रहे हैं और खासकर बात करते हैं हम लोग साउथ कश्मीर की, तो साउथ कश्मीर में बहुत ही ज्यादा आतंकी संगठन हमें सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिस बीच इन पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता से इस्तीफा देना पड़ा और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि नेशनल प्रेस डे के मौके पर ही जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ रहा है। और कारण ये है आतंकवाद, यानी कि जिस आतंकवाद को हटाने की बात कही जाती है और मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल भी निभाती हुई नजर आती है, लेकिन आज उन्हीं प्रेस को हमें देखने को मिल रहा है कि जो थ्रेट है वो मिल रहे हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर राजू केरनी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने काफी साल पत्रकारिता को निछावर किए हैं और उस बीच जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा जो इन्वायरमेंट है वो जर्नलिस्ट के लिए कहीं पर चैलेंजिंग रहता है और खासकर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में हमेशा से पत्रकारों के लिए जो इन्वायरमेंट है वो चैलेंजिंग ही रहा है। उस बीच आज एक खबर आती है कि 5 पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता छोड़नी पड़ रही है क्योंकि आतंकी संगठन द्वारा उन्हें हिटलिस्ट में उनका नाम जारी किया गया है। इस बीच जो बाकी जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू में काम कर रहे हैं या फिर कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही इस तरीके से चैलेंजिंग रहा है। जी वहीं पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जैसे नेशनल प्रेस डे के मौके पर जो पूरे तरीके से हमें ये भी देखने को मिला कि जर्नलिस्ट द्वारा जो इस्तीफा है वो दिया गया है और वहीं पर इस मौके पर हमारे साथ राजू केरनी जो यहाँ मौजूद हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है। देखिए नेशनल प्रेस डे के जी दिन जो है अगर पर्व होना चाहिए जर्नलिस्टों के लिए, त्योहार जैसा होता है। बिल्कुल अंदर प्रेशर है, उस प्रेशर के अंदर जो है किया जा रहा है। अगर श्रीनगर की बात करते जी वहीं पर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर जिस तरीके से जो है हमें देखने को ये मिल रहा है कि पत्रकारों द्वारा जो इस्तीफा है वो दिया गया, हालांकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से राजू जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे फिर उनके साथ संपर्क करने की। वहीं पर आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल प्रेस डे के अवसर पर ये जो एक खबर आ रही है जहां पर डेमोक्रेसी का चौथा पिलर यानी कि चौथा जो स्तंभ है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है,
एक जो चैलेंज है वो यहाँ पर डेमोक्रेसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज टेररिज्म की वजह से पत्रकारिता हिलती हुई नजर आई, जहां पर 5 ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी कि जो रेजिग्नेशन है वो अपने प्रेस जो उनकी पत्रकारिता है उससे दे दिया है। और वहीं पर एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर राजू जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर आप बता रहे थे कि कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहता है जर्नलिज्म जम्मू कश्मीर में, अगर आप कर रहे हैं पत्रकारिता कर रहे हैं तो उतने ही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं जर्नलिज्म की, तो जर्नलिस्ट आज जो है स्ट्रेस में है, टेंशन है, बिल्कुल हर तरीके से, उसके बाद जो है उसको अपनी कॉपी देनी है, और उसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है, नोएडा में है, या कहीं पे भी अगर है, हेड ऑफिस डिमांड करता है न्यूज, और न्यूज पे जो है कई जो है पहरे लगे हुए हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से कि आप ये दर्शन दिखाएंगे तो दर्शकों को ये नहीं दिखाएंगे, और पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर रहता है कि आपको हमारी बात जो है वो दिखानी है, यानी कि दो क्यों के बीच में जो है यहाँ पे आज के दौर में जर्नलिस्ट जो है काफी जो है वो दबा हुआ है, और आज का दिन जो हम मनाते हैं तो उस दिन की हमें जो है अहमियत जो है वो समझनी चाहिए, और उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जब बढ़ाई गई और उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक टूथलेस बॉडी बन के रह जाती है, क्योंकि इसके पास रिकमेंडेशन के अलावा कोई काम नहीं है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जाती है, गवर्नमेंट पे जाके वहीं पे जो है फाइलें जो है वो दबके रह जाती हैं, और कोई ऐसी नहीं है। आज जो है मिलिटेंट्स की तरफ से जितना प्रेशर जम्मू कश्मीर में आगे का जर्नलिस्ट हो, कोई ऐसा हादसा उसके साथ हो जाता है तो जहाँ जर्नलिस्ट की यहाँ पे कोई इंश्योरेंस है, सरकारों की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। हालांकि बाहर की स्टेटें अगर हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो कुछ ऐसी स्टेटें हैं जिन्होंने जर्नलिस्टों के लिए इंश्योरेंस रखा है ताकि अगर कुछ ऐसा हादसा उनके साथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कम से कम उनकी फैमिली को मिले। ऐसा यहाँ पे जर्नलिस्टों को यहाँ पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बड़ी डिमांड रही है। हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ये इसके लिए रिकमेंडेशन भेजी थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, सरकारें उस पर कोई अहमियत नहीं रखती। अगर हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की, जर्नलिस्ट को चौथा स्तंभ अगर कहा जाता है, तो 3 स्तंभ जो है वो ठीक तरह से जो है वो सही है, उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये चौथा स्तंभ जो है ये सरकार की तरफ से इसको नुकसान है और मिलिटेंट की तरफ से भी है। अगर मिलिटेंट को पसंद नहीं आती है तो तब उसके ऊपर प्रेशर है, उसको जान का खतरा है। अगर सरकार को पसंद नहीं आती है तो सरकार उसकी ऑर्गेनाइजेशन को शिकायत करेगी, या उसको सरकार जो है अपने तरीके से उसको दबाने की कोशिश करेगी। अगर प्रिंट मीडिया में है तो एडवर्टीजमेंट बंद कर दी जाएंगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो उसको जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो तंग किया जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से जो है आज जर्नलिस्ट जो है वो स्ट्रेस में है, वो एक प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है, लोगों को जो है दर्शक जो उसके हैं उनको जो है सही पिक्चर देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बिल्कुल राजू जी, यही था कि देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से, एक प्रॉपर कमेटी ना होने की वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज जो जर्नलिज्म में है, एकेडमिकली बात करें या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो बच्चे जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर में नहीं है। और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से भी जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा बना रहता है कि अगर हम फील्ड में जाके काम करते भी हैं तो हमारे राइट्स के बारे में कौन सी कमेटी लड़ेगी, हमारी सेफ्टी के लिए कौन सी कमेटी लड़ेगी। तो क्या इस वजह से भी जम्मू कश्मीर में जो जर्नलिज्म है उसकी एक अलग ही इमेज देखने को मिलती है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर से हम रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन DPR जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसमें बदकिस्मती की बात और ज्यादा क्या हो सकती है कि उस DPR की जो है एक सब कमेटी, उन्होंने एक कमेटी बनाई होती है प्रेस एक्रेडिशन कमेटी। प्रेस एक्रेडिशन कमेटी 2018 के बाद से जो है वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं की गई। 2018 के बाद से जो जर्नलिस्ट हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट काम करने वाले हैं उनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, एक अपना अपना सरकारी कार्ड देती है, आई कार्ड देती है, जिसको एक्रेडिशन यहाँ पे कहा जाता है। वो जो है स्टेट एक्रेडिशन जो है पिछले 2018 से लेके 2022 आ गया, अभी तक स्टेट एक्रेडिशन किसी को नहीं मिल पाई है, ताकि वो कमेटी ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई 4 साल हो गए। तो साफ जाहिर होता है कि सरकार कितनी जो है
इस मामले में कितनी जो है सरकार जो है सिंसियर है, या सरकार कितनी जो है लोगों को जर्नलिस्टों के बारे में सोचती है कि पिछले 4 सालों से कोई कमेटी नहीं बनी, कोई जर्नलिस्टों को यहाँ पे एक्रेडिटेशन नहीं दी गई, जर्नलिस्ट 2018 का कार्ड लेके किसी अगर जगह पे वीआईपी लोकेशन पे कहीं पे पहुंच जाता है तो वहां पे एनएसडी वाले या एसएसडी वाले कहते हैं कि आपका तो कार्ड एक्सपायर हो चुका है। यानी कि कितनी सीरियस है सरकार जर्नलिस्टों को फैसिलिटी देने के लिए, हालांकि इसके लिए सरकार को कोई खर्च नहीं करना है, एक प्रिंटिंग कार्ड छपवाते और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो है उसके सिग्नेचर होंगे, जो कमेटी होगी वो नए जर्नलिस्ट जो काम करने वाले हैं उनको देखेगी, जो गाइडलाइंस ना उसमें फॉल करते होंगे उनको एक्रेडिटेशन देगी, जो नहीं गाइडलाइन में फॉल करते होंगे उनको नहीं देगी। लेकिन 4 सालों से ये कमेटी ने अभी तक बनी नहीं, ना कोई काम हुआ ना सरकार, हालांकि इसमें एक प्रोविजन ये भी, अगर कमेटी नहीं बनती है किसी कारणों से तो जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है उसको एज ए कन्वीनियर जो है वो जो जर्नलिस्ट काम करने वाले हैं फील्ड में उनको जो है काम करने के लिए आसानी रहे, सिक्योरिटी फोर्सेज का प्रेशर ना कहीं पे हो, वो कार्ड इशू कर सकता है, वो एंटाइटल है, लेकिन इससे ज्यादा बदकिस्मती जम्मू कश्मीर में काम करने वाले जर्नलिस्टों की और क्या हो सकती है। राजू जी की जिस तरीके से आप इतने सालों से जर्नलिज्म में हैं, जम्मू कश्मीर का जर्नलिज्म आपने किस तरीके से बदलते देखा है, क्योंकि पहले जो पत्रकार काम करते थे अब जो नई पीढ़ी आ रही है पत्रकारों के तौर पर, जो चेंज है वो आपने किस तरीके से ऑब्जर्व किया है? देखिए इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर जर्नलिज्म जो है जब हमने दौर जो था वो शुरू हुआ तो प्रिंट जर्नलिज्म का दौर था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आ गया, उसके बाद जो है सोशल मीडिया आ गया, हालांकि ये काफी चैलेंजिंग जॉब है सोशल मीडिया का जो है लोगों के लिए प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काफी चैलेंजिंग जॉब है, सभी जो है अपनी 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 जगह पे जॉब जो है वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, डिस्पाइट ये कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज जो है ये भी हमें नहीं कहना चाहिए कि जर्नलिज्म का दौर भी इस जमाने में काफी बदला है। पहले खबरें जो होती थी जब प्रिंट मीडिया में छपती थी तो दोनों वर्जन लिए जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक में छपती थी तो जो अगर हम किसी को विक्टिम दिखा रहे हैं तो जो अक्यूज होता है उसका वर्जन भी लगाया जाता था। आज सोशल मीडिया के आने के बाद से ऐसा जो है बड़ा लैक हो गया है, सोशल मीडिया में एक वर्जन आ जाता दूसरा वर्जन नहीं आता, दूसरा वर्जन नहीं आता, प्रिंट मीडिया में भी ऐसा हिसाब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक में टेलीविजन की अगर बात करें उसमें भी यही हिसाब हो गया है। और उसके साथ साथ जो प्रेशर है जिसमें मिलिटेंट्स की डिक्टेट्स जो हैं वो भी कई अखबारों में छपती हैं, हालांकि सरकार की तरफ से उसमें काफी सख्ती बरती जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो इस समय जम्मू कश्मीर में जो जर्नलिज्म है वो अंडर स्ट्रेस है, अंडर काफी डिप्रेशन के इस समय हम कहें लोगों को जो है उस समय इस जर्नलिज्म की वजह से हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोग जो है जो खबर चाहते हैं वो खबर मिलती नहीं, जो लोग देखना चाहते हैं वो होती नहीं है, सरकार की अगर कोई अगर कहीं पे नालायकी है सरकार की, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, अगर जर्नलिस्ट उसको सामने लाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, तो ये सारी चीजें जो है सरकार को सीरियस लेना चाहिए, जर्नलिस्ट के सीरियस काम कर रहे हैं उनको जो है सीरियस लेके देखना चाहिए, यहाँ पे उनकी जो है कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में वो मिसिंग है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, तो ये थे हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में आज राजू केरनी जी जुड़े थे जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी सालों से जो जर्नलिज्म में अपनी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं, और आज नेशनल प्रेस डे के मौके पर उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो चलिए अब रियासी की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी जो प्रदर्शन है वो जारी है, जहां पर रियासी के शिवकोड़ी धाम में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जो निर्माण है वो नहीं होने के लिए बात की जा रही है, और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये नहीं चलेगा, लेकिन अन्य पर्यटन स्थलों पर भी ये रोपवे की सुविधा दी जा रही है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोगों के रोष के मद्देनजर प्रशासन से जल्द ये फैसला लिया जाएगा कि जो रोपवे प्रोजेक्ट का बात की जा रही है शिवकोड़ी में वो नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि दुकानदार हो गए, पिट्ठू वाले हो गए, पोनी वाले हो गए, वो सब
प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों का ये साफ कहना है, उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। लेकिन अन्य पर्यटन स्थलों पर भी ये रोपवे की सुविधा दी जा रही है और उस बीच अगर वहां पर ये सुविधा दी जा रही है तो शिवकोड़ी में अगर ये सुविधा नहीं दी जाएगी तो उससे टूरिज्म को काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। दोनों चीजों को, दोनों पहलुओं को नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बीच सरकार अगर इस पर कोई फैसला लेती है, यानी कि रोपवे प्रोजेक्ट को अगर रोका जाता है और नहीं निर्माण किया जाता है इसका, तो इस बीच लोगों के रोष को भी मद्देनजर रखते हुए और टूरिज्म, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक जो फैसला है वो निकालना जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है, लोगों का जो रोष है वो निकल कर सामने आ रहा है। दुकानदारों द्वारा, पिट्ठू वाले जो भी हैं वहां पर, जितने भी पोनी वाले हैं, वो सब इस रोपवे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नजर आ रहे थे। और आज जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, आश्वासन दिया गया, सरकार से बात करने की मांग की गई, लेकिन टूरिज्म को लेकर जो फैसला लिया गया है उसको किस तरीके से तब्दीली की जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, संजीव से बात करते हैं। संजीव, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्माण है रोपवे का वो नहीं होगा, ये आश्वासन लोगों को दिया गया और सरकार से बात करने की मांग भी की गई है, लेकिन जहां पर टूरिज्म के नक्शे पर यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की सरकार ने शुरुआत की है, तो क्या लगता है ये आश्वासन कितने हद तक सही है? जी पल्लवी जी, अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर रियासी जब भी तो हम भी अपनी राय आपको बताएंगे, पर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल डीडीसी कौंसलर के जो चेयरमैन है पोनी से डीडीसी के प्रकाशन शर्मा और भी जो पीआरआई मेंबर है वो कल उधर बैठे थे बैठक में जी। तो उन्होंने कहा है कि अगर रोबे की आप सेवा शिव कोड़ी के साथ छुट तो जो घोड़ा पिटू पालकी चालक है वो किस तरह से अपना रोजगार चला सकेंगे जी। हम चाहते हैं कि जो आस पास की पहाड़ियां हैं अगर वहां पे आप रोपवे की सेवा शुरू कर देते हैं तो उसके साथ जो पालकी घोड़ा पिट्ठू चालक है उनका काम भी चलेगा और जो बाकी सराउंडिंग एरिया है वहां पे डेवलपमेंट हो सकती है, वहां भी यात्री घूमने के लिए जा सकता है जी। वहीं पर एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मेरा संजीव, कि जिस तरीके से अब प्रोटेस्ट को रोके जाने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, तो इस बीच टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जनप्रतिनिधि वहां पर आए हैं, तो क्या जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था उस बीच किसी का भी समर्थन नहीं लिया गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी आज लोगों के ही हक में नजर आ रहे हैं हमें? जी प्रवीण जी, एक सवाल इधर ये है कि इसके साथ साथ मास्टर प्लान का भी वहाँ पे जो कार्य किया जा रहा था जी, तो उसके लिए भी बैठक में कहा गया है कि उसकी भी रीप्लानिंग होनी चाहिए। जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर रियासी ने उनको जब वो प्रदर्शन के बीच में पहुंची थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिस तरह से जहाँ पे जो पोनी वाले हैं घोड़ा है उनके लिए कोई शेड नहीं है उसकी व्यवस्था हमने जो मास्टर प्लान में सोचा हुआ है, वेटरनरी हॉस्पिटल जो घोड़ों के लिए है उसके लिए सोचा हुआ है और जहाँ पे पार्क के लिए सोचा हुआ है। पर अब जहाँ पे जो बात आती है उन लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के बीच जो हमारी एरिगेटेड लैंड है वहां से हम दे देंगे जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो वहीं पर बात करते हैं, अगर तो जिस तरीके से यहाँ बदलाव किए जा रहे थे रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर और निर्माण कार्य ना होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि निर्माण कार्य नहीं होगा, उस बीच अब ये देखना है कि रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उस पर रोक लगाई जाती है या नहीं, क्या सरकार इन जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनती है या नहीं।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ घोषणाएं की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करेगी, ये भी देखना जरूरी है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। मैं उत्थे भी जाके आया मोडेस्टो, जिथे मोडेस्टो के नेड़े ही है वो, जिथे छापा जितों अखबार कढ़िया सी पहला गदर, तो करतार सिंह सराभा उन्होंने गदरी बाबे ने मिल के 19 साल की उम्र तां फांसी हो गई सी। उस जमाने च पायलट की पढ़ाई करन गए सी, पायलट बनन लई उस जमाने च गए सी। सो जे वो चाहुंदे जां वो ये सोच लेंदे कि आपां की लैना है, अपने को चंगी जमीन है, पढ़ाई कर पायलट बन जाना है, आपां की लैना देश जिहदा मर्जी गुलाम रहे आपां की कहिंदे ने, नहीं। असल च उन्होंने ये जज्बा सानू दिखाया कि आपां ही लैना है। ये मुल्क 130 करोड़ पंजाबी भारतीयों का है, 130 करोड़ भारतीयों का मुल्क है, किसी 5, 10, 15, 20 या 100 बंदियां की जायदाद नहीं हैगी। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे नाल जदों गूंजदा सीगा आसमान और सारी 17, 18, 18 साल 19, 19 साल के जवाक ही कह लो, बच्चे ही कहने आपां उन्होंने, वो फिरदे सी तां लोग मजाक करदे सी, तुसी गोरियां नूं नहीं कढ सकदे, कि तुसी नहीं गोरियां नूं कढ सकदे। पर उन्हां दा जज्बा, उन्हां दी दृढ़ता जिहड़ी है वो बहुत बहुत ज़्यादा, जोश जिहड़ा उन्हां दा बहुत पक्का सी। ते अज मैं शरदा दे फुल पेंट करदा शहीद करतार सिंह सराभा होरां नूं, और मैं पार्लीमेंट के भी जो मैं एम पी सी मैं उदो भी बोलिया कि जोड़ा भारत रत्न अवार्ड है वह यहोजे बंद मिलना चाहिए जिन्हों भारत रत्न दे के भारत रत्न अवार्ड की इज्जत बधे, भारत रत्न अवार्ड उच्चा हो। सो मैं मांग की कि करतार सिंह सराभा, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, ये असल च भारत रत्न ने, असली च भारत रत्न। जे भारत रत्न इन्हों नहीं भी दोगे इन्हों की कोई इज्जत नहीं करने वाली साडे दिलों च, पर जे दे दोगे तो भारत रत्न की इज्जत वजूगी कि हाँ ये अवार्ड हैगा जिहड़ा एडे एडे बंदियां नूं मिलिया होया। सो भारत रत्न की भी असी चिट्ठी जिहड़ी है करतार सिंह सराभा नूं भारत रत्न देण दी लिखांगे, सेंटर नाल गल करांगे, कौमी शहीद का दर्जा भी दवाउणा है। हजे तक तो सानू सोशल एक्टिविस्ट ही कहिंदे आ, मैं बहुत बारी उत्थे मिलिया भी हाँ डिफेंस मिनिस्ट्री नूं, हुण होर जोर दी पक्ष रखांगे। तो मैं जिन्हें भी इत्थे दर्शक आए ने, सत्कारयोग बजुर्ग, नौजवान वीर, छोटे बच्चे, मावां भैणां और जिन्हें भी प्लेयर आए ने, सारे नूं मैं बहुत बहुत इस गल का धन्नवाद करदा कि तुसीं इस दिन नूं बहुत खास बनाता। जिहड़ी टीम पहले नंबर पर आऊगी उन्होंने मैं बहुत बहुत एडवांस के बधाइया दिना, पर नाल एक सलाह भी दिना कि पहले नंबर पर आके हंकार नहीं करना, क्योंकि पहले नंबर पर आने वाली टीम च सब तो वड्डा योगदान दूजे ते तीजे वाली का हुंदा, जो ना हुंदे मुकाबले ही नहीं होना सी। सो इस करके हंकार नहीं करना, जित हार हुंदी रहिंदी है, गेम नहीं हारनी चाहिए, फुटबॉल की गेम नहीं हारनी चाहिए, कबड्डी की गेम नहीं हारनी चाहिए, कबड्डी हाकी की गेम नहीं हारनी चाहिए, मैच हार जित चलती रहती है, कोई गल नहीं। सो मैं बहुत बहुत सारे बहुत बहुत बधाइया दिना अज दे इस जिहड़ा मैच हो रहा, टूर्नामेंट हो रहा, प्रबंधकी कमेटी ने बहुत शानदार प्रबंध किए हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, उधर किसान यूनियन वालों भी चल रहे हैं। यही है, हर बंदा अपने तरीके शहीदों शरदा के फुल भेंट करना आता है, यही खास चीज़ है बस, क्योंकि शहीद किसी एक कौम के नहीं होंगे, किसी एक फिरके दे नहीं होंगे, किसी एक राज दे नहीं होंगे। सो मैं चाहूँगा दोनों हाथ उपर चाके दो नारे शहीदों के लाइए, ताकि उन्होंने आत्मा को सुकून मिले कि है हजे जिन्हों ने साडे वाला दीवा जगाई रखे है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद मेरे सोनिहाल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी, दोबारा फिर मिलते रहेंगे। लोगों ने लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मेरे दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदे बसते रहो, तरक्कियां करो और खुशियां आन, पंजाब घुग बसे,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सन्मान निशानी दिती जानी है साडे अहुदेदारां वल्लों मानयोग मुख्यमंत्री जी नूं, नाल ही एक मंग पत्र भी